बिसमीम्ल सैद् मौलाना महमदू वल मोहम्मद जी नाजरन मैं आपका होस्ट आबिद हुसैन आज हम अपनी वीडियो में जिस बुज़ुर्ग हस्ती का जो है तस्करा करने जा रहे हैं जी वो बड़ी एक मशहूर हस्ती है और ये बुज़ुर्ग जो हैं ये दूसरे जैसे आम पब्लिक में एक कंसेप्ट होता है लोग इनको आम बुज़ुर्गान दीन को जानते हैं इसी तरह से इन हस्ती का नाम इतना मशहूर नहीं है लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा काम किए इतना ज़्यादा इनकी करामात और सबसे ज़्यादा अहम काम है इनकी तसानी बुक्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं लेकिन आम पब्लिक के लिए लोगों में इनका कंसेप्ट नहीं है उसकी वजह क्या है कि हम लोगों का मुताला नहीं है हम लोग पढ़ते नहीं हैं ये हस्ती हैं जी जनाब हज़रत फरीदुद्दीन अतार साहब बहुत बड़ी मशहूर हस्ती हैं आपका जो है पूरा नाम अबू हामिद मोहम्मद बिन अबू बकर इब्राहिम बिन इसाक है ये जो फरीदुद्दीन आपका लकब है और तखलु आपका का अतार है ज्यादातर आप जो है इस लकब और तखलु से ही जाने जाते हैं हज़रत फरीदुद्दीन अतार साहब अब आप पाँच सौ तेरह हिजरी में जो कि ग्यारह सौ पैंतालीस ईस्वी बनती है ये आपका पैदाइश है पैदाइश का साल है और आपने इस दुनिया फ़ानी से जो है ये अब रिवायत में आता है कि छः सौ सत्ताईस हिजरी में पर्दा फरमाया जो कि बारह सौ बीस है या बारह सौ इक्कीस है आपकी उम्र पर मुख्तलिफ जो है ये रे आई कहीं जिक्र मिलता है कि आपकी उम्र पचहत्तर साल है कहीं जिक्र मिलता है कि आपकी उम्र एक सौ चौदह सौ एक सौ चौदह साल है। अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर होगी कि आपकी उम्र जो है तकरीबन पचहत्तर साल है या सौ साल है। तीन रिवायत मिलती हैं पचहत्तर साल सौ साल या एक सौ चौदह सौ साल अब एक सौ चौदह साल जो है वो ज़्यादा कमज़ोर बात है पचहत्तर या सौ पर जो है वो इतफा किया जा सकता है आपकी उम्र बहुत तवील है जी इसमें कोई शख्स नहीं है आप नेशापुर में पैदा हुए अब नेशापुर जो एक ऐसी सरजमीन है जो कि बुजुर्गान दीन औलिया कराम कराम की और बहुत बड़ी हस्तियाँ जिस नेशापुर में पैदा हुई नेशापुर की एक अपनी जो है मशहूर है नेशापुर इन हस्तियों की वजह से अब ईरान में ये क्योंकि मशहूर शहर है आप ईरान में पैदा हुए ज़ाहिर आपका कलाम जो था आप जो गुफ्तु मादरी जबान वो फारसी थी आपने फ़ारसी में काफ़ी कलाम लिखा अब यहाँ से जो आपके इब्तदाई हालात ज़िंदगी हैं कि आपके वालद मोहतरम जो थे वो उस वक़्त के हकीम एक दुकानदार थे अतार नाम इसीलिए इस नसबत से है कि उस इसका मतलब होता है अतर फरूश यानी कि उसमें से फूल फ़लां उस दौर का एक जिक्र था कि जो एक दुकान होती थी एक रिवायत थी उस पर ही हर चीज़ मिलती थी आपको अतर ख़ुशबुएँ फूल और जो मेडिसन वगैरह सारा कुछ तो आपके वालद ग्रामीण जो उस दुकान पर बैठते थे आप भी जब बड़े हुए तो अपने वालद ग्रामी का हाथ बटाने के लिए उस दुकान पर बैठते थे और आप क्योंकि जहर ताजिर थे एक ये सारा दूसरे शहरों में जाते और ये सारा सामान जो है ख़रीद कर आके अपने वाल देते मेडिसनस हैं और ये अतार्स से ये सारा अतर वग़ैरह ये सारे तो आपके साथ जो है कुछ आ, लोग जाते जो आपकी खिदमत गुजार अदतमंद के तौर पर काफ़िले की सूरत में आप जाते मुख्तलि शहरों में तो ये आपका तरीक था जो आप जिस भी शहर में जाते थे तो वहाँ पर जो मज़ारत आते थी आपको इनका बड़ा शौक था आप उस मज़ारत पर जाते वहाँ से जो है वो अकीद एहतराम के साथ ज़ारत करते वहाँ से फैज़ लेते उसके जो जानशीन होते उनकी महफ़िल में बैठते और फिर आपको उस शहर में अगर किसी आलिम फ़ाज़िल या किसी जो है उस टाइम के जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग जसी थे पता चलता तो आप उनकी महफिल को भी जाके अटेंड करते ये आपका तरीक़ था खैर ये सिलसिला चलता रहा आप मुख्तफ शहरों में जो है आपको सेहत का बड़ा शौक था और वो एक ज़हरा आपका काम भी यही था कि वद ग्रामी दुकान तो पर बैठते थे और चीज़ें लेने के लिए आप दूसरे शहरों में जाते थे तो आपको ये सेहत का जो अंदाज़ था ये चलता रहा आपकी ज़िंदगी में थोड़ा एक मोड़ आया कि जब आपके वालद ग्रामी ने पर्दा फरमाया तो फिर आपकी मसरूफियात जो है वो बढ़ गई मसरूफियात बड़ी ये है कि आप उस दुकान पर टोटल टाइम देने लगे सियात का जो है वक़्त वो ख़त्म हो गया उसमें थोड़ी ब्रेक आई और आप जो है वो अपने वालिद की उसी दुकान पर बैठते और उस कामों में मसरूफ़ रहते और दुकान बहुत मशहूर होगी बड़े लोग आते और ये तिजारत जो है आपकी बहुत ज़्यादा जो है होती ख़रीदो फरोख्त और एक दिन में कई बार ये भी कहा जाता है तीन तीन सौ चार चार सौ लोग लनों में ला के ये चीज़ें लेते और आके इलाज मुआलजा भी करवाते अब एक दिन ऐसा होता है कि एक ये वाक़ बड़ा अहम है अब यहाँ पे कुछ जो आपकी तसानीफ वगैरह हैं बुक्स हैं उनका जिक्र आता है कि आपने जवानी में ही आपने कुछ किताबें लिख डाली थी अभी आप जवानी की उम्र में थे बरअल उनकी जो तसानीफ का जिक्र करते हैं यहाँ पे एक वाक जो आपकी क्योंकि जो लोग बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत रखते हैं उनके दिल में या अल्ला ने उनको मकाम मरतबा देना हो तो वो फिर चेंज आती है अब ये बहाना बन रही एक वाक़ा है जिसने हजरत फरीद्दीन अतार साहब की ज़िंदगी में चेंज लाई और उनको फिर उसी सूफीज़म और इस की तरफ ले के गए वापस जो इस दुनियावी ज़िंदगी से वो चेंज हुए आप उस दुकान में बिज़ी हैं सुबह सुबह के टाइम में आए हैं दुकान में और मुलाजिम वगैरह सफाई और सेटिंग कर रहे हैं और आप आकर जो है वो हिसाब किताब कर रहे हैं कि कितनी चीज़ें आई हैं कौन सी पड़ी हैं कौन ज़हर जो होता है आप भितर जमानते हैं कोई भी डिपार्टमेंट हो कोई दुकान हो तो उसका हिसाब किताब और इन चीज़ों में आप लगे हुए हैं अब आपका ऐसे महसूस होता है कि सामने का बंदा आके खड़ा हो गया बुज़ुर्ग तो आप अपने काम में लगे हुए आपने नहीं उस पर गौर किया लेकिन थोड़ा महसूस हुआ कि कोई शख्स खड़ा हुआ है तो आप काम हिसाब किताब करते रहे करते रहे उसमें लगे रहे तो वो शख्स जो है एक रिवायत में आता है कि दरवाजे पर आके खड़ा रहा बोला नहीं एक शख्स वो इस रिवायत में आता है कि आप वो शख्स आता है और खुशबूएँ वो जो मुख्तलिफ़र हैं वो देखता है चेक करता है और ऐसे ऐसे लगा हुआ है बरत उसी की तरफ जाते हैं कि वह शख्स जब दरवाजे पर खड़ा तो आपको जब ऐसे महसूस हुआ कोई खड़ा है कोई बंदा बोल नहीं रहा तो आपने थोड़ा आधा असर उठाया और आप फरमाया कि खैरियत से हैं क्यों काम है तो क्या चाहिए आपको आप वो नहीं बोला तो आपने फरमाया उनको गुस्से से चले जाइए जब फरीदुद्दीन तार साहब ने उस शख्स को कहा चले जाइए तो वो बुज़ुर्ग आगे सूफ़ी बोला रिंद कलंदर शक्कर में था कहता चले तो जाना है मैंने भी चले जाना है सब ने चले जाना है लेकिन आप कैसे चले जाओगे आप इस दुकान का हिसाब कैसे दोगे अपने इस दुनिया से जाना है तो ये आम एक इंसान का फितरत का भी है जब आपको कोई टंट करता है या कुछ तनकीद करता है तो आप और आप जैसे हम हाँ किसी को कहते हैं कि कब्बर आप अपनी आनी है मुझे अपनी आनी है जाओ आप तो आपने उसे फरमाया आप मुझे न दर्शतदीस दें आप जाएं, आप अपना देखें कि आपने कैसे जान बख्शनी है मेरी जान आप फ़िक्र ना करें तो वो सूफ़ी बुजुर्ग कहते हैं आए मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कैसे चले जाना है मेरे पास तो ये कंबल सी है एक चादर है एक चादर कंबल टाइप आपने ली हुई थी मैंने ये क्या हिसाब देना है आप अपनी फिक्र करो कि आप कैसे हिसाब दोगे इस दुकान का और इतने में वो सूफी बुज़ुर्ग जो हैं वो वो चादर उस जो दुकान के दरवाजे पर लेट जाते हैं कहते हैं आओ मैं आपको दिखाऊं कि मेरी मैंने कैसे जाना है चादर ओढ़ते हैं और कलमा बा आवाज़ बुलंद पढ़ते हैं दरूद पाक पढ़ते हैं और इस दुनिया फाने से उनकी रूपरवास कर जाती है अल्लाह अकबर इसमें ना मौलाना ये जो हजरत फरीदार साहब हैं वो बड़े जहर एक अचानक एक बंदा ऐसे कहते कहते अभी बातें करा और चला जाए तो उनकी चेंज आ गए बड़े हैरान हुए परेशान खामोशी का आलम हो गया बुलाया अपने मुलाजमों को आओ जी ये बुजुर्ग को देखा और बाकी उनकी जान चली गई थी जहरा आप तबीब भी थे आपने चेक किया कि ये बंदा क्या कमाल हुआ है अब यहाँ से आपको अंदर की दुनिया जो है ना उसमें आलम बदल चुका था आपका ये चेंज वाक है तो अब यहाँ से जो है आपने गए खैर बस उस बुज़ुर्ग किया और आपके जहन में बार बार, बार वही एक ख्याल वही एक बात घूमती रही कि इस शख्स ने मुझे क्या कहा यहाँ से कुछ और मामला है तो बिलखरखर खैर आपने उनकी तदफीन का मामला ये किया सारा करके और सुबह आप आए और आपने बेजारी का आलम शो करवाया और लोगों को कहा बुलाया ऐलान करवा दिया आए जिसको जो जो चाहिए वो आके ले जाएं तो जब वो लोग आए मुख्तलि तो कुछ रिवायत में आता है आपने सारी चीज़ें सस्ते दामों में जैसे बेच दी कुछ रिवायत में आके आपने सारी चीज़ें तकसीम कर दी कि ले जाए जी जिसको जो जो चाहिए सारा आपने वो दुकान का सारा मामला ख़त्म हो गया लोग आते और वहाँ से वापस चले जाते अब यहाँ से जो आपकी ज़िंदगी का ये जो तासर मिलता है ये भी कहा जाता है कि आपके जहरी पिर मुर्शिद और किसी बुज़ुर्ग ने आपकी तरबियत नहीं की आपने रूहानी तरबियत ली है अब ये जो बुज़ुर्ग हैं जिनका ज़िक्र जो आता है जिन्होंने तकरीबन एक सौ पचास साल हो गए आपको विसाल फरमाए हुए हज़रत हुसैन अबिन मसूर हलाज रहमत आ की रूह ने हज़रत फरीदुल्दीन अतार पर असर किया और असराती तरबियत रूहानी तरबियत आपकी की आपको फ़ैज़ अता किया अब आपने यहाँ से जो सफ़र है वह बुज़ुर्गान दीन का महफिल आपको तो पहले ही काफ़ी अंदाज़ा था मख्तलि मज़ारात पर आप जाते थे यहाँ से फिर आप इस तलाश में निकले मख्तल मज़ारात पर जाते और वहाँ से फैज़ लेते और चलते चलते फिर एक रिवायत में आता है कि आप मदीना पाक काफ़ी ऐसा रहे वहाँ पे आप जो है मदीना पाक मस्जिद नबी उधर जो है वो हाँ जाते हाज़री देते झाड़ूकशी करते और मदीने की गलियों को साफ करते एक बार ये रूहानियत का एक आलम है कि ऐसे कहा जाता है कि आप जो है वो झाड़ू दे रहे हैं और वहाँ पे आपको जो है ऐसे उस आलम में महसूस हुआ कि ये जो एक खाब की गंदगी की, की हालत है कि सरकार मदीना का दीदार हुआ आप वहाँ से गुजर रहे हैं और हजरत फरीदतारफा फरमाते हैं कि मैं उनके पीछे दौड़ा जाके के अर्ज़ुल न्याज की आपका जो है हाथ चूमा तो आपने फ़रमाया फरीदुद्दीन आप इसबिल हैं कि आपको ये फैस दिया जाता तो कहते हैं आपने अपना लाभुद्दन जो है ला मुबारक जो है फरीदुद्दीन साहब के जो है मुँह में डाला और कहा कि आप जाओ तो वहाँ से जो है फरीदुद्दीन आलम फरीदुद्दीन अतार साहब की जो दुनिया है आपका आलम जो है वह बदल जाता है जहर सरकार मद्दीन की जीारत हो और आप जो है लाभुद्दन देंसे आगे और क्या चाहिए वहाँ से जब आपकी आँख खुलती है या वो चीज़ मिलती है तो आप वहाँ से दौड़ते हैं और मुख्तलिफ फिर वही आलम शुरू होता है कि आप मजारात का और फैज़ रूहानी बुज़ुर्गों का जो ये हासिल करते रहते हैं अब आपकी जो किताब का ज़िक्र आता है कि आपने कम व बेश जो तसानीफ हैं ये ज़िक्र आता है कि आप की चालीस किताबें जो हैं वैसे तो ज़्यादा मशहूर हैं लेकिन चालीस कन्फाम में कि आपने किताबें लिखी हुई हैं अब एक रिवायत में आता है क्योंकि आपकी बहुत लंबी उम्र है आपने पचास साल का अरसा जो है मुख्तलि मज़ारात और इधर आना जाना ये रहा मदीना पाक पे गया और ये रिवायत में आता है कि जी पचास साल के बाद वापस आप फिर अपने वतन आ गए अब यहाँ से निशापुर से जब आप गए थे तो उस टाइम ये भी बात है कि आपकी जहर पहले आप पढ़ते रहे फिर आप जो है वाले साहब का हाथ बटाते रहे फिर वाले साहब की वफ़ात होगी उसके बाद तो यहाँ से भी अंदाज़ है कि अगर आपकी उम्र 30-35 साल यहाँ पे हो तो जब आप 50 साल जाते हैं तो आप तो एटी प्लास यहाँ हो जाते हैं तो खैर आपकी जो मुख्त तसानीफ हैं किताबों का हवाला करते हैं जी बहुत मशहूर किताबें जो हैं जो आपकी यूरोप में बहुत मशहूर हुई तस्करा अलिया पूरे हिंदुस्तान या पाकिस्तान में बहुत मशहूर है आपकी बड़ी अहम किताब है जिसमें आपने नाइन्टी सिक्स अलिया कराम का जिक्र किया है और आप ये फरमाते हैं कि ये किताब लिखने से मेरी ज़िंदगी बदली इन अलिया कराम के मज़ारत पर जाना इनके बारे में अहवाल लिखना उनका रूहानी करम फजल हुआ मुझ पर और आप ये फरमाते हैं कि ये बुज़ुर्गान दीन जो हैं जब आप इनके बारे में जो है मोहब्बत अकीदत रखते हैं तो ये लोग आपको रूहानी फैजता फ़रमाते हैं आपकी ज़िंदगी में आपके अंदर की दुनिया बदलती है तो ये भी आपने ख़ुद फरमाया कि मैंने तस्कर अलिया जब लिखा तो इससे मेरी जो है अंदर की रूहानियत खुली और मेरे जो अंदर का आलम था वो बदल गया अब आपकी एक किताब है जो कि उन्नीसवीं सदी में ज़्यादा मशहूर हुई और उस किताब का नाम है जी मंतक तायर यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स ये यूरोप में बहुत मशहूर हुई ये किताब और एक ब्राक यूनिवर्सिटी जो कैनेडा के अंदर है 1996 में इसमें जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड ये जो बुक है इस पर उन्होंने एक प्ले भी करवाया इरानिया ने मिनिस्ट्री अरान्य मिनिस्ट्री ने जो है अतार डे मनवाया और दो में एक जो है सेटल इन फीट्स कम्यूनिटी चर्च में जमाल जमाल अब्दुलरहमान साहब को दावत दी गई कि आप आएँ और कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड जो बुक है इस पर तक करें ये बताने यह बताने का मकसद ये है कि यह फरीदुद्दीन अतार साहब का ये देखें हम लोगों को पता था कि नहीं है हम हमार हम लोग जितना इस तस्वुफ़ को सूफ़ीज़म को जानते हैं इतना बाहर के लोग नहीं लेकिन यहाँ से देखें हमारी बदकिस्मती कि हम लोगों ने मुताल छोड़ दिया अपने बुजुर्ग दीन ने इतनी, इतनी इतनी अच्छी तसानीफ लिखी हुई हैं उन पर हमने तोज्जो छोड़ दी देखा ही ना और यूरोप के लोगों को देखें कि वो जो है इन बुक्स को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स एक इतनी मशहूर बुक है आपकी जिसका बहुत सारी ज़बानों में तर्जमा भी हुआ और ये जो बुक आप पढ़ेंगे बड़ी मज़े की बुक है आपको बहुत इसमें से एक ऐसे आलम का जिक्र किया गया है जिसमें एक जो परिंदों की ये एक कहानी है उसको आप पढ़ेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग है उस तरफ नहीं जाते बात लंबी हो जाएगी इसके बाद आपकी जो ये किताबों का आलम मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी किताब बहुत ज़्यादा जो है मशहूर हुई जैसे तार् परिंद तार साहब यूरोप में बहुत मशहूर हुए और तस्कर अलिया ये सर फहस्त किताबें आपकी जो है मशहूर हैं चालीस किताबों का जैसे मैंने आपको जिक्र किया एक किताब है उसमें गायब आपने जब किताब लिखी तो ये वो किताब है जिससे कि सरकारी मदीना की ज्यारत के बाद आपने जो है ये किताब लिखी थी और इसमें बड़ी जो है आपने बेहतरीन बातें की हैं लसान गायब की बात कुछ किताबों के आपको नेम मैं बता देता हूँ कि आपकी जो मशहूर किताबें हैं एक उनमें इलाही नामा मराज नामा और उसके बाद हयात नामा है शहर कल्ब है मजाहब अजायब है वसीयत नामा है औसत नामा है गिल है मुख्तार नामा हैदर नामा है बुलबुल बुलबुलनामा है उसके बाद गायब है इसरार नामा है और उसके बाद जो जवाहर नामा है और दीवान नामा है उसके बाद मुसीबत नामा है इसके बाद नहल नामा है और मंतक मंत मंतरेजायब और कान्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड जैसे मंत्रा तो आपको बताई ये किताबें हैं मुख्तलिफ। अब यहाँ पर इस तसनीफ़ के आलम में अगर यहाँ पर हम इस बात को देखें तो ये बड़ा एक हैरानगी आती है कि हज़रत फरीदुद्दीन अतार साहब की जो ये तसनीफ़ हैं चालीस किताबें ये लिखी गई और इसके बाद आप बहुत बड़े शायर थे आपके बारे में ये कहा जाता है कि कम्बो बेश दो लाख दो हज़ार साठ अशार हैं आपके क्या बात अब यहाँ पे ये पॉइटरी का आलम में मैं आपको बताऊँ कि जैसे हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया कि मौलाना रूम साहब जब बचपन की उम्र में थे पाँच साल की उम्र में थे आपके वालिद साहब का जब नेशापुर आमद हुई वहाँ से हिजरत करके जब आप आए अपने अबई इलाके से तो उस वक्त आपको मिलने के लिए हज़रत फ़तीजुद्दीन अतार साहब आए थे तो इससे ये भी एक महसूस होता है कि कैसे फरीदुद्दीन अतार साहब उस टाइम आपकी बुजुर्गी आलम होगा बुजुर्गी की ज़िंदगी थी तो उस टाइम आपने मौलाना रूम साहब को एक जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी किताब थी पहले इसरा नामा उससे आपने एक जो है आ, 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 हिस्सा दिया आ, मौलाना रूम साहब को वो जो मसनी शरीफ़ में लिखी थी इसरा नामे में उसका एक जो है आइटम दिया उन्होंने मौलाना रूम साहब को उन्होंने संभाल के रखा यहाँ से ये भी नज़र आता है जो मौलाना रूम साहब ने पोइट्री लिखी है अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे तो हज़रत फरीदीन अतार साहब की भी यहाँ से आपको समझ आएगी कि बेस कहाँ से चली है उनकी पोइट्री में उनका भी व्यूज़ जो है उनका भी ज़िक्र नज़र आता है क्योंकि उन्होंने उ, उ, उ अकीदत रखते थे मौलाना रूम साहब हज़रत फरीदुद्दीन अतार साहब से और मौलाना रूम साहब का जैसे मैंने बताया आपका दीवान में तकरीबन पाँच पचास हज़ार अशार हैं आपके मसनी शरीफ में जो है साढ़े पच्चीस हज़ार से साढ़े छब्बीस हज़ार अश्यार हैं और अगर कुल मिलें तो मौलाना रूम साहब की तसानीफ जो है वो तकरीबन एटी थाउजेंड के करीब अशार बनते हैं और हजरत फरीदुद्दीन अतार साहब का आलम देखें कि दो लाख दो हज़ार साठ अश्यार हैं आपके तो यहाँ से भी एक समझ आती है कि आपकी इतनी तसनीफ़ और कितनी बड़ी हस्ती बुज़ुर्ग हैं इन पर कितना अल्लाह का ख़ास करम था कि इतनी किताबें लिखना इतने अशार लिखना बहुत बड़ी बात अब यहाँ से आपके अगले सफ़र की तरफ जाते हैं कि मौलाना ये जो हज़रत फरीदुद्दीन अतार साहब जो हैं जब इनका ये अब नेशापुर में रह रहे हैं तो आपका बुज़ुर्गी का आलम है और ये भी एक अहम बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जब आपने ये किताब लिखी ना तो उस वक़्त ये किताब लेकर जब आप बतन वापस आए तो आपने एक किताब ये लिखी हुई थी मज़ाहिबलब ये अपने शहर में आके आपने लोगों को किताबें दी और लोगों ने पढ़ा तो उसके बाद जो आपका अंदाज़ ज़िंदगी था तो उससे लोगों ने इख्लाफ करना शुरू कर दिया अब लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए क्योंकि आप पर यह आलम था अक्सर महबत अक़ीदत से जो है वो हज़रतम हाँ, और आपके जो है नाम लेते रहते थे इसमें में रहते थे तो लोगों ने आप पर जो फतवा लगाया उस टाइम के मौलियों ने कि ये जो है राफजी हैं और शिया हैं अब ये मौलवी आप पर कत्ल का फतवा लगा दिया कि इनको कत्ल कर दिया जाए तो एक केस लगा और अदालत में जब केस लगा आपके खिलाफ तो आप वो केस भी जो है वो हार गए क्योंकि मौलवी ज़ाहिर जी जिस फीस पर वो दें फतवे। तो आपने वहाँ से जो है बल जान आपकी बच गई और आपको जो है वतन छोड़ने का जो है हुक्म दिया गया अदालत की तरफ से और आपने वहाँ से वतन छोड़ दिया इसके बाद ये बात भी आती है कि आप जो है उस वक्त जैसे नेशापुर में जहर कत्ल वगैरह तो और बहुत ज़्यादा थी एक ऐसा आलम था लोगों का कि ततारियों ने जब बहुत ज़्यादा हमले अटैक किए हुए थे तो उस बात को जब गौर किया जाए अतारियों की थोड़ी ततारियों की जो है इस कत्ल वगैरह पर तो वो वो दौर था जब एक ततारी ने जो है आप पर आपको आके कैद कर लिया पकड़ लिया एक सिपाही ने व तो पकड़ के ले जा रहा है और आगे एक आदमी आ रहा है तो वो कहता है कि इनको कुछ ना कहिएगा ये बहुत कीमती शख्स है मैं आपको दस हज़ार दे देता हूँ और आप इनकी जान बखते छोड़ दें तो फरीदीन तार साहब फरमाते हैं नहीं, नहीं 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 आपको मेरी बड़ी कीमत मिलेगी बुज़ुर्गी के आलामे हैं आप इसकी बात में ना ये बहुत कम कीमत लगा रहे हैं इसी तरह से आप थोड़ा आगे जब वो सिपाही के जहन में आया कि मैं तो इस बुज़ुर्ग बाबा बड़ा कीमती है इसे बड़े पैसे कमा सकता हूँ थोड़ा सा जब वो और आगे जाते हैं तो उसमें जब पहुँचते हैं तो उनको ये आलम मिलता है कि वो जो उधर जब पहुँचते हैं आगे थोड़ा तो एक आदमी घास का एक बहुत बड़ा जो है वो घास काट के सारा दिन बेचारा काटता रहोगे अपने जानवरों के लिए चारा लेके अपने सर पे एक पंड सी रखी हुई है घास की और जा रहा है तो वो शख्स कहता है कि ये मुझसे ये सारा घास ले लें और फरीदुद्दीन अतार साहब को छोड़ दें ये बहुत बड़े हमारे रहबर हैं बुजुर्ग हैं तो आप कहते हैं हाँ हाँ इस बंदे ने सही कीमत लगाई है तो आप इसकी बात तो वो ततारी को बड़ा गुस्सा आया कि मैं ये घास लेकर क्या करूँगा तो उन्होंने जो है वो तलवार निकाली और आपको शहीद कर दिया ये आपकी रिवायत है शहादत की कि आप एक के एक सिपाही जो है ालम के हाथों आपने शहादत जो है नोश फरमाई अब ये जो मैंने आपको बात बताई ना कि मौलाना रूम साहब भी आपसे बड़ी अकीदत रखते थे अब मौलाना रूम साहब ये फरमाते हैं कि फ़रीदुद्दीन अतार साहब जो हैं वो शहरी के मैदान में मुझसे बहुत आगे हैं मैं ख़ुद को उनका ग़ुलाम समझता हूँ और अतार साहब ख़ुद ये फरमाते हैं कि इश्क तसवुफ़ के ये मौलाना रूम साहब फरमा रहे हैं आपके बारे में अतार साहब के बारे में कह रहे हैं कि आप इश्क व के सात शहरों के सिया थे और मैं तो अभी तक एक कूचे के मोड़ पर हूँ ये मौलाना रूम साहब फरमा रहे हैं, है। हैं हज़रत फरीदुद्दीन अतार साहब के बारे में और हजरत फरीदुद्दीन अतार खुद के बारे में क्या फ़रमाते हैं कहते हैं कि मैंने हकीक़त के दरिया से मोती निकाले और ये जो अंदाज़ सुखन मुझ पर ख़त्म हो गया है और जवरात मैंने लोगों पर कुर्बान किए हैं क्या मत तक लोग जो हैं उनके ज़बानों पर मैं ज़िंदा रहूँगा ये हज़रत फतेहुल्दीन अ तार साहब खुद फरमा रहे हैं मौलाना रोम साहब ने आपकी तारीफ़ है और बड़े औलिया कराम आपके बड़े फ़ैन हैं तो ये जो आपकी शहादत हुई शहादत के बाद वहाँ पे उस एरिए में एक काजी साहब थे उन्होंने आपकी कब्र बनाई वो अक़ीदत नहीं रखते थे लेकिन उन्होंने उस टाइम जहर मुसलमानों पर बड़ा ज़ीवाल का वक्त था तारीयों का बड़ा खौफ होता था तो उन्होंने कब्र बनाई रात का वक्त था और उन्होंने आपकी तदफीन वग़ैरह उधर कर दी और कुछ अरसे के बाद ऐसे होता है कि ये जो काजी साहब हैं काजी या साहब इनका नाम है इनके बेटे की डेथ हो जाती है और उनके बेटे ने वसीयत की थी कि मुझे हज़र फरीदुद्दीन अतार साहब के कदमों में जो है मदफन किया जाए अब रात का वक्त था जब इनके बेटे की भी डेथ हुई तो लोग उन्हें जाके कब्र बना दी अब जब काजी साहब को उन्होंने आके बताया काजी साहब ने पूछा किधर कब्र बनी है मेरे बेटे की तो उन्होंने कहा वो फरीदुद्दीन अतार साहब के कदम में तो ये काजी साहब जो है वो जहर मौलवी थे वो बड़े गुस्से में है। कहते हैं आपने कहा उनकी कब्र बना दिया वो एक सूफ़ी और ऐसे फला उनके कितनी कदम है मेरे बेटे को क्यों लिटाना है तो ऐसे होता है कि वो लोग कहते हैं जी आप तो बारिश भी हो रही है मौसम ऐसा है पे सुबह कहीं और बना लेंगे कब्र वो कहते हैं ठीक है तो वो ज़ाहिर एक फ़ौत की आलम था घर में लाश पड़ी और वो काजी साहब ऐसे बैठे बैठे हैं कि उनको ऊँग सी आती है और वो नींद में ऐसे देखते हैं कि फ़रिश्ते आसमानों से उतर रहे हैं और आके नजराना फूलों के जो हज़रत तार साहब की कब्र मुबारक पर पेश कर रहे हैं और मेरा बेटा खड़ा वहाँ पर रो रहा है और मुझे ये कहता है कि बाबा ये एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग और जो है बहुत मरतबे वाले बुज़ुर्ग हैं मुझे आप क्यों मना कर रहे हैं कि इनकी मैंने इनके कदमों में ही लेटना है मुझे इनके कदमों में लेटने दें तो इतने में जब उनकी आँख खुलती है तो उनका आलम बदल जाता है और वो लोगों को सुबह बुलाते हैं और कहते हैं नहीं कब नहीं चेंज करनी मेरे बेटे को इधर ही इनकी तदफीन कर दें तो इस तरह से हज़रत फरीदुद्दीन अतार साहब जो हैं आपकी जो उधर क़ब्र मुबारक जो है वो उसमें उनके कदमों के जो है में लिटाया जाता है काजी साहब के बेटे को और हज़रत फ़रीदुद्दीन अतार साहब की कब्र मुबारक को पहली बार पक्का और जो तवीज़ वगैरह वो जो उन पर बनाया वो इस काजी याहिया साहब ने बनवाया क्योंकि अब वो अक़ीदत में आ गए उनको समझ आ गई कि फरीदुद्दीन अतार साहब का मकाम क्या है बड़े अरसे के बाद मीर शेर अली साहब ने सुल्तान हुसैन जो मिर्ज़ा केहदूत में हज़रत फरीदुद्दीन अतार साहब का बहुत बड़ा रोज़ा बनाया और उस रोज़े में बड़ा ख़ूबसूरत सा मंजर है आपके में मुबारक का और उधर जो एक उम्राम साहब जो है मदफन है मसविर जो थे उनकी कब्र है और एक या ज़्यादा भी हैं ये तीन चार कबूर हैं जी हजरत फरीदुद्दीन अतार साहब का जो वो एक बाग बना हुआ है जो जिसमें आपकी तदफीन है रोज़ा मुबारक है इसका बड़ा खूबसूरत मंज़र है प्यारा सा मंज़र है जी ये अहवाल थे जी हज़रत फरीदुद्दीन अतार साहब सूफी बुज़ुर्ग बहुत बड़ा मकाम रखते हैं जो आपके गोश ग भार मैंने किए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन पसंद आएगी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिएगा अल्लाह पाक आप सब का सबका हामीसर हो इन बुज़ुर्गान दीन के जो हम जिक्र करते हैं इन पर आप भी फातह पढ़ा करें मैं भी पढ़ लेता हूँ अल्लाह पाक हमें मजीद जो है इनके बारे में इन किराए रास् पर चलने की तोफ़ीक आफरमाए ये जो हम वीडियो बनाते हैं इसका असल मकसद भी यही है कि इन बुज़र्गाना दीन के हालात ज़िंदगी तालीम से इनको कितनी मोहब्बत थी इल्म अमल से इनको कितनी मोहब्बत थी तसनीफ़ इनकी देखें तो वहाँ से बड़ा तो आपका माइंड खुलता है और हम लोग जो अपने आप को बड़े उस्ताद और मोहतरम बना के फेरें तो यहाँ से हम जो एजुके जितने भी हैं हमें ये एक रास्ता मिलता है कि हमें भी तालीम के सिलसिले में अपने मुताले को बढ़ाना चाहिए तलीम पर बहुत फ़िक्र करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी इन बुज़ुर्गान दीन का जो है वो लेसन देने चाहिए अपने स्कूलों में अपने घरों में ट्यूशन सेंटर पर जो इस ग्रामी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को इन बुज़ुर्गान दीन के अहवाल थोड़े थोड़े बताएं ताकि उन कमस कम अज़ कम पाँच मिनट में भी बताएँ तो उनके ताकि जहन में ये बुज़ुर्गों की एक मोहब्बत अकीदत है और इससे भी उनका एक रास्ता खुले कि हमारे बुज़ुर्गान दीन ने कितनी मेहनत की है जी इल्म फजल की दुनिया में तालीम के मैदान में और इतनी तसानी और लिखना आज कल के दौर में जितने भी देखो आलम फाजल फेरें किसी ने दो बुक्स लिखी हैं किसी ने चार ने और उन बुज़ुर्गों ने इतनी किताबें लिखी इतना काम किया ये बहुत एक जो है बड़ा काम है और हम सब लोगों को भी चाहिए इन बुज़ुर्गों ने दीन के जो है इस काम की खदमात का जो है वो चर्चा करना बुलंद बाला करना और इससे सीखना भी चाहिए बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफि